हेलो दोस्तों, आज के ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। हम तो अच्छे हैं, मुझे कहते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे। और हम लोग 2-3 दिन लगातार काम करने के लिए जा रहे थे दोस्तों। वो लाइन गाड़ी नहीं, वो क्या रिजर्वेशन गाड़ी से हम लोग जा रहे थे। बहुत दूर जा रहे थे दोस्तों, पिकअप से जा रहे थे। और काल अचानक से वो वाला गाड़ी खराब हो गया दोस्तों, पिकअप दवा वाला गाड़ी रास्ते में खराब हो गया। लौटने वक्त वो भी खराब हो गया। और फिर इस मालिक का ही और एक बस था दोस्तों, बड़ा वाला बस था। उसी बस से हम लोग को लेकर आ गया है घर दोस्तों। और आते 10 बज गया। बहुत ही रात हो गया दोस्तों, इसलिए आज हम लोग नहीं गए हैं। और फाइनल आज घर में है दोस्तों। आज रेस्ट भी हो जाएगा नहीं जी? हाँ जी। और काम करने के लिए जा रहे थे ना, इसलिए शूट नहीं कर पा रहे थे दोस्तों। वीडियो तो शूट मना है। हाँ, हम लोग डाला वाला पिकअप से जा रहे थे ना, वहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोग जाते हैं और कैमरा भी नहीं पकड़ पाओगे, है ना जी? बहुत ज्यादा नहीं कर पाओगे दोस्तों कैमरे भी, और माथे भी हिले नहीं पाओगे, है ना जी? एक बार इधर कर दिया तो उधर ही रह जाएगा, इधर और एक लोग माथा अंगाज हो जाएगा नहीं। हाँ जी, बहुत ज्यादा लोग जाते हैं। इतना भीड़ क्या बताए, बहुत भीड़ दोस्तों, बहुत ज्यादा भीड़। और आज हम लोगों को मार्केट भी जाना था दोस्तों, लेकिन पापा गए थे ना, इसलिए हम लोग नहीं गए। पापा भी काम में ही गए थे दोस्तों। और हम लोग को उतना कुछ काम नहीं था, सिर्फ एक छोटा वाला मुर्गी खरीदना था। छोटा वाला मुर्गी खरीदना था और कुछ काम में लगाएंगे। हाँ, इसलिए है नहीं जी? हाँ जी। लेकिन हम लोग को पता नहीं किस कलर का कैसा मुर्गी खरीदना है, वो चीज हम लोग को पता नहीं है। इसलिए पापा को हम लोग पैसे दे दिए थे मुर्गी खरीदने के लिए। पापा को दे दिए थे तो पापा को पसंद नहीं आया दोस्तों। मुर्गी बहुत ही छोटा है मुर्गी, लेकिन प्राइस उसका बहुत ही बड़ा है। 300 रूपये इतना बड़ा मुर्गी को 300 रूपये प्राइस, इसलिए पापा भी लेकर नहीं आए हैं। देखते हैं और कभी हम लोग मार्केट जाएंगे तो लेकर आएंगे। हाँ, क्योंकि हम लोगों को काम में लगाना है बहुत ही जल्दी, आगे जल्दी 2-3 दिन आगे नहीं। हाँ जी। और हम लोग बेरी खा लिए हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा खा लिए। और इतना ज्यादा है, हाँ ना जी? और इधर आप लोग देख रहे हो ना नीचे कितना ज्यादा बीज। हाँ, बहुत ज्यादा दोस्तों, हम लोग बहुत ज्यादा खाए, सबसे ज्यादा मैं खाया हूँ। हाँ, मैं इधर खाया हूँ, बहुत ही कम खाया हूँ। आगे पेट खराब हो गया और अच्छे हो नहीं। हाँ जी, बाद में संभालेंगे नहीं। हाँ, और इतना सारा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। मिर्ची और नमक का ग्राइंड किया है हम लोग, और ये पका हुआ बेरी, बड़ा वाला बेरी, बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। बहुत सारा खा करके खत्म कर लिया मेरा पति ने। फिर कल को मैं खाऊंगा, फिर से कल को। मेरा पति इतना ज्यादा बेरी खाया, फिर भी पेट नहीं भरा, चावल खा रहा है अभी। बेरी खाकर किसका पेट भरता है क्या? बताओ, तुम ही बताओ दोस्तों। बेरी बहुत ज्यादा खाया हूँ, लेकिन पेट नहीं भरा है। बहुत ज्यादा भूख लग रहा था, इसलिए मैं खा लिया हूँ थोड़ा। हाँ। और काल का बासी चावल, और ये इधर देख रहे हो ना सूखा पूरा दोस्तों, ड्राई फिश। देखो अच्छे से देखो दोस्तों, हमने आग में जला दिए थोड़ा थोड़ा करके, है ना जी? थोड़ा बहुत हम लोग आग में जला करके खा रहे हैं दोस्तों। हमारा लोकल में बोलते हैं सूखा पूरा नहीं जी? हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है खाने में। सब पूरा देसी पीस है दोस्तों। हमारा गड्ढा में हम लोग जितने पकड़ कर रखे थे, वो सबको हमने ड्राई करके रखे हैं। हाँ। अभी कभी हमारा सब्जी जब नहीं होता है नहीं जी, हाँ जी, हम लोग खा लेते हैं। और दूसरा साइड में चावल को डाल दिए चूल्ही में, क्योंकि हमारा चावल नहीं था। काल की चावल ही हम लोग खा रहे थे। आज सुबह मैंने नहीं बनाया था चावल को। हाँ। बचा हुआ चावल को ही खा रहा है मेरा पति। हाँ। और पापा मार्केट से आ करके खाना वाना खा करके फिर से चले गए हैं रिलेटिव घर। हाँ। और पापा भी ये ड्राई फिश के साथ ही खा करके गए हैं। हाँ जी। कपड़ा फपड़ा, नया नया कपड़ा खरीद कर लाए थे दोस्तों, 2-3 पीस ऐसे देने के लिए। हाँ, रिलेटिव घर में देने के लिए दोस्तों। हाँ, क्योंकि मकर संक्रांति में नहीं दे पाए हैं ना। हाँ, नहीं पापा नहीं दे पाए हैं, लेकिन उन रिलेटिव सब हम पापा को दे दिए है नहीं। हाँ, आए थे और पापा को देकर गए हैं। ड्रेस फ्रेस सब कुछ दे दिया है, लेकिन पापा उन लोगों को नहीं दिए थे, इसलिए चले गए हैं आज देने के लिए। हाँ ना जी। तो चलिए जल्दी, आप जल्दी जल्दी खा लो, मैं तब तक के लिए खीर को ले आती हूँ। जाओ जाओ। हाँ। और दोस्तों आज हमारा लास्ट डे, खीर लाने का लास्ट डे नहीं जी? हाँ जी। आज से और हम लोग नहीं लाएंगे। हम लोग 10 दिन के लिए बात किया था दोस्तों, 10 दिन लाने के लिए नहीं जी? हाँ जी। आज कंप्लीट हो गया है, और पैसे दे देंगे। हाँ जी, और नहीं लाएंगे। मेरा पति खीर को पी रहा है अभी। ठंडा है ना? गरम है? बहुत ही गरम है दोस्तों, बहुत ही गरम है। ठंडा अच्छे से नहीं हुआ है। मेरी वाइफ ने पी लिया, लेकिन बहुत ही ज्यादा गर्म है। हाँ, गर्म है बहुत ज्यादा। और हल्का हल्का पी रहा हूँ। हाँ, आ गया, साइकिल लेकर आ गया फिर से। दोस्तों ये आज सुबह उधर गिर गया था। साइकिल के नीचे, वो साइकिल के नीचे, साइकिल उसके ऊपर है। और रो के बाकी चला गया नहीं जी? हाँ जी, क्योंकि नया नया सीख रही है ना, इसलिए नहीं सीखा है। चलो कोशिश करो। हाँ, कोशिश करो, जितना कोशिश करोगे तभी जाके चला पाओगे, है ना? थोड़ा ठंडा होने। हाँ, रख दो, ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, अभी तुम्हारा चाचा सिखाएगा। साइकिल में उठो, उठो धीरे से, दोनों पे उठा लो। ये वाला नहीं, दूसरा वाला उधर दो। हाँ दूसरा वाला ऐसे करके दोनों पे उठाओ। साइड से हो, मारो। हाँ पैडल का लो, धीरे से हैंडल पकड़ो और हैंडल को सीधा करो, हैंडल को सीधा करो। हाँ हैंडल को सीधा करो और पैडल करो। चलो पैडल करो, पैडल करो जोर से, पैडल आगे आगे पीछे नहीं आगे पैडल करो ना, हैंडल घुमा, हैंडल को घुमाओ देखो दोस्तों कैसे सिखा रहे हैं हम। चलो चलो जोर से, ये देखो ये नहीं ठीक होएगा दोस्तों, पीछे भगा रही है देखो पीछे मत खींचो जी। तो फाइनली जितना भी घर में कपड़ा था पुराना कपड़ा को बाहर लेकर आ गए हैं, इतना सारा कपड़ा हो गया है। हाँ दोस्तों देखो ये सब रिजेक्शन कपड़ा है नहीं, हाँ जी रिजेक्ट कर दिए हैं दोस्तों, ये सब हम लोग नहीं पहन रहे। ये रहा मेरा बेनियन देखो, ये भी फट गया है दोस्तों कांधों में, नहीं जी। हाँ जी। और ये रहा हमारा जीन्स पैंट और ये मेरी वाइफ का क्या क्या ड्रेस है मुझे पता नहीं है दोस्तों। ये चूड़ीदार है, चूड़ीदार नहीं। हाँ जी। ये सब को दोस्तों, ये सब ड्रेस को घर में नहीं यूज करती है मेरी वाइफ। आप लोग भी कभी भी ब्लॉग्स में वीडियो में कभी भी नहीं देखा। हाँ। ये सब सिर्फ हम लोग जब काम करने के लिए जाते हैं मजदूरी काम करने के लिए तभी मेरी वाइफ यूज करती है। ये सब पहन करके काम करना थोड़ा अच्छा होता है, आसान लगता है, आसान लगता है। और साड़ी पहनकर काम करने से साड़ी को संभालोगी या काम करोगी, किचन में काम करना पड़ता है ना इसलिए। हाँ, नहीं जी। हाँ जी। ऐसे बहुत सारा ड्रेस है, ये क्या क्या ड्रेस है, ये रुमाल जैसा लग रहा है मुझे देखो ना, ये फट गया है। और ये सूट है नहीं। हाँ ये सूट है देखो, बहुत ही अच्छा कपड़ा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा नरम नरम नहीं। हाँ जी चलो चलिए जी, जल्दी जल्दी सिलाई कर लो। और ये देखो ना, ये पूरा ढाकू जैसा दिख रहा है, ये भी सूट है, ये भी सूट है। हाँ हाँ जी, इसके जैसा एक जैकेट था ना। हाँ जैकेट है, कहाँ गया, यहीं पर ही था। ये रहा, ये डाकू जैसा जैकेट है दोस्तों देखो, ये जैकेट है बिल्लियान नहीं जी। और हाँ। इधर मैं साड़ी को सिलाई मार रहा हूँ दोस्तों, ये सब को हम लोग सिलाई नहीं करेंगे दोस्तों, इसको साड़ी को सिर्फ मैं सिलाई कर रहा हूँ, इसलिए इसको छोटा सा बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स बनाने के बाद इसके अंदर हम लोग सब कपड़ा को घुसा देंगे। हाँ फाइनली हमारा क्या बन जाएगा जी, तकिया। तकिया दोस्तों, हमारा घर में एक भी तकिया नहीं है दोस्तों, हम लोग ऐसे ही बेडशीट और कांथा फांथा देकर हम लोग सोते हैं माथा के पास। हाँ जी, लेकिन आज फाइनली बहुत सारा रिजेक्शन कपड़ा मिल गया तो हम लोग सोचे कि क्यों ना हम तकिया बना लेंगे, इसलिए बना रहे हैं नहीं। हाँ जी चलो वो सबको साइज करो। हाँ साइज कर लेंगे, साइज करो अभी, जल्दी जल्दी सिलाई मार लो। हाँ एकदम देसी जुगाड़ दोस्तों। हाँ अपने हाथों से बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा सिलाई कंप्लीट हो गया है, पूरा सिलाई कर लिए हैं, एकदम सूट जैसा लग रहा है दोस्तों, थोड़ा ट्राई कर लेते हैं देखो। ये देखो पहन रहा है मेरा पति, फिर भी देखो लंबा हो जाएगा ना। हाँ हाँ ऐसे दो तीन हम लोग बना कर रखेंगे तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा होगा। हाँ ऐसे ही पहन कर जाएंगे नहीं। हाँ जी तो चलिए इसके अंदर कपड़ा को घुसा देंगे एक एक करके। चलो ये लीजिए, डालो एक एक करके, डालो कपड़ा को। हाँ। कम हो जाएगा कपड़ा। पहले मेरा पैंट इसके अंदर में लगाऊंगा। हाँ ये वाला पैंट को नहीं। हाँ जी फट गया है ना, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है घर में रखने से भी। है ना जी। हाँ इधर उधर घर में भी एकदम अंजरा कचरा जैसा लग रहा है नहीं। हाँ जी इधर इधर रख रहे हैं ना, इधर हम लोग घुसा कर रखेंगे तो हमारा भी हो जाएगा, हम भी थोड़ा आराम हो जाएंगे। हाँ। और कपड़ा सब भी सेफ्टी में रह जाएगा। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, लाओ। हाँ अभी डालो। ओ भाई हाथी का पैर जैसा मुझे तो लग रहा है सच में। हाँ। अच्छे से रखो। हाँ अच्छे से ही रख रहा हूँ, हो रहा है। हाँ हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया इधर ना। हाँ चलो क्या, चलो ये पैंट है ना जीन्स का पैंट है। हाँ इसलिए स्ट्रॉन्ग हो गया है ना जी, ये वाला नरम है, अच्छा। हाँ, ही होगा। हाँ। तो दोस्तों हमारा तकिया बन गया है और मेरा पति सो गया है देखो। तो दोस्तों बहुत ही लंबा पूरा एक खटिया हो गया है देखो, बहुत ही लंबा, बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए। एक ही तकिया में हम दोनों हो जाएंगे नहीं। हाँ जी थोड़ा ट्राई करो, तुम भी ट्राई करो। नहीं रहने दो, ट्राई करो थोड़ा, अच्छा है ट्राई करो ना थोड़ा, सो नहीं बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम लंबा वाला हम लोग बनाए हैं। हाँ। इसके ऊपर और एक नया कवर लगाएंगे, कवर लगाएंगे ताकि अच्छा दिखेगा। हाँ, हाँ। अभी तो ऐसे ही साड़ी जैसा ही दिख रहा है नहीं जी। हाँ जी कांथा जैसा, कांथा को जैसे हम लोग भाग करके रखे हैं नहीं हाँ, ऐसे ही दिख रहा है कवर लगाएंगे तो पूरा तकिया जैसा ही दिखेगा हाँ। नहीं और ये देखिए दोस्तों हमारा छोटा सा बैग हम लोग अभी अभी बनाए हैं छोटा सा बैग को भी छोटा सा बैग है देखो कितना अच्छा है हाँ। देखो बेटी बैग जैसा लग रहा है ना हाँ लगाओ ना ट्राई करो ना ये छोटा हो जाएगा लेकिन बहुत ही अच्छा है देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों हम लोग इसको इस पे बनाए हैं हम लोग जब भी मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं हम लोग बोर्ड के ऊपर रखते हैं लेकिन मोबाइल को हाँ, थोड़ा डर भी लगता है गिर जाएगा तो टूट जाएगा इसलिए हम लोग एक बैग भी बना लिए नाना जी उसके पास बोर्ड के पास इसको झुला देंगे मोबाइल को रखेंगे हाँ बहुत ही अच्छा होगा बहुत ही अच्छा होगा। तो हमारा सब कुछ रेडी हो गया है नहीं जी हाँ जी तो थोड़ा तुम्हें ट्राई करके देखने से अच्छा आता है अच्छा ठीक है हाँ ट्राई करो साइड हो जाओ हम भी थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा हो गया है बहुत ही अच्छा लग रहा है दोनों के लिए नरम 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 हाँ अच्छा कपड़ा एक लगाएंगे इसके ऊपर नहीं हाँ और क्या बताएंगे दोस्तों आज का ब्लॉग्स को इतने में एंड करते हैं। ब्लॉग्स को अच्छा लगे तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।